खेत पर काम कर रहे किसानों पर तेंदुए ने किया हमला, 3 घायल। बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव चित्तौड़ा में खेत में गेहूं काट रहे 3 किसानों पर तेंदुए ने किया अचानक हमला। तेंदुए के हमले में 3 किसान हुए घायल और घायल किसानों को पास ही के अस्पताल में पहुंचाया गया। ग्राम चित्तौड़ा निवासी पीयूष, दुष्यंत कुमार और योगेंद्र तेंदुए के हमले में घायल हो गए। घायल हुए किसानों ने बताया कि वो अपने खेतों में गेहूं की फसल काट रहे थे, अचानक तभी पास के खेत में खड़े गन्ने की फसल से तेंदुआ बाहर निकल आया और उसने वहां मौजूद 3 लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें वे बुरी तरह घायल हो गए। किसानों के शोर मचाने पर तेंदुआ जंगल की तरफ भाग गया, तभी वहां पर वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंचने पर किसानों में काफ़ी नाराजगी भी है। सूचना मिलने पर भारी पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई और उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी गई। तेंदुआ कुछ समय बाद फिर से गन्ने की फसल से बाहर निकल आया और वहां पर खड़े किसानों पर भी हमला कर दिया। आसपास खड़े लोगों ने तेंदुए की वीडियो बना ली है। गांव के लोगों में दहशत का माहौल अभी भी बना हुआ है। गढ़मुक्तेश्वर तहसील क्षेत्र के चित्तौड़ा में किसानों पर जंगली जानवर द्वारा हमले की सूचना है। कितने किसान घायल हैं और क्या है पूरा मामला? ऐसा है ना, वो दोपहर में ये सूचना प्राप्त हुई कि एक लेपर्ड द्वारा की साइटिंग हुई है और उसके पास जब ग्रामीण गए हैं तो उसने कुछ ग्रामीणों पर अटैक किया है। 3 लोगों के इंजर्ड होने की सूचना है, जो आउट ऑफ डेंजर हैं। फर्स्ट एड के बाद शायद घर को चले गए हैं। यहाँ पर मुख्य वन संरक्षक मेरठ और हमारे मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक महोदय लखनऊ के निर्देशन में हापुड़ वन प्रभाग, नोएडा वन प्रभाग, मेरठ वन प्रभाग, मुजफ्फरनगर वन प्रभाग, मुरादाबाद, अमरोहा की टीम यहाँ पर है। हमारे सीनियर अफसर मुख्य वन संरक्षक मेरठ, वन संरक्षक मेरठ, DFO मेरठ, सभी लोग यहाँ पर अपने स्टाफ के साथ हैं। 3 राउंड कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा चुका है। अभी एनिमल का कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पर नहीं मिला है। सर्च ऑपरेशन जारी है और जैसा आगे होगा बताया जाएगा।